अगर आप भी फूड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो कंपनी आपको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ये कंपनी पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है और इनके अभी हाल फिलहाल में 350 से ज्यादा आउटलेट है, और ये जितने भी आउटलेट है उनमें मैक्सिमम आउटलेट ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स रन करते हैं। तो दोस्तों कंपनी को ये पता है कि जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स होते हैं उनको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, उनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। तो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी हमको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम है लपिनो पिज्जा। तो आज के वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, साथ ही साथ में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंचाइजी की बात के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों सबसे पहले लपिनोज पिज्जा के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 2011 में चंडीगढ़ में हुई थी और जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी उनका नाम है सनम कपूर। दोस्तों इनिशियली जब इनका पहला आउटलेट ओपन हुआ था तो उस टाइम पे इस कंपनी का नाम लपिनोज पिज्जा नहीं था, उस टाइम पे पिनोकियो पिज्जा के नाम से इनका स्टोर चलता था। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि इटालियन जो भी ऑथेंटिक फ्लेवर्स होते हैं उनको इंडियन स्टाइल में प्रेजेंट किया, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, इनके आउटलेट में बहुत ज्यादा भीड़ आने लग गई। उसके बाद में सनम कपूर को ऐसा लगा कि उनको अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपांड करना चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने अपना नाम भी चेंज किया, पिनोकियो पिज्जा से लपिनोज पिज्जा कर दिया। और फिर दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 2017 में मतलब सिर्फ 6 साल के अंदर इन्होंने 100 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन कर दिए थे, और उसके बाद में अगले 2 साल के अंदर मतलब 2019 तक इन्होंने 200 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन कर दिए थे, और फिर 2021 में मतलब अगले 2 साल के अंदर 300 से भी ज्यादा इनके आउटलेट ओपन हो चुके थे। तो दोस्तों आज के टाइम में ये कंपनी इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी जो कंट्रीज है वहां पर भी ऑपरेट कर रही है। सो अगर आप चाहें तो इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग भी पिज्जा लवर होते हैं उनको लपिनोज पिज्जा के बारे में डेफिनेटली पता है। तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपके आउटलेट पे भी जबरदस्त भीड़ आने वाली है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहला साइट सिलेक्शन। देखिए जहां कहीं भी आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो लोकेशन प्रॉपर है या नहीं है या कौन से लोकेशन में लेना चाहिए, ये सारी चीजों में कंपनी आपको हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ में अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा तो साइट सिलेक्शन में भी कंपनी आपको हेल्प करती है। और साथ ही साथ में मान लीजिए अगर आपने लोकेशन को रेंट पे लिया या लीज पे लिया तो उसके लिए जो भी निगोशिएशन होता है उसमें भी कंपनी आपको हेल्प करती है। और साथ ही साथ में जो भी जगह आपने फाइनल की है उसको चेंज करके कंपनी के हिसाब से ब्रांडिंग करके आपका पूरा आउटलेट सेटअप करने में ए टू जेड कंपनी आपको हेल्प करती है। दूसरा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों आपके आउटलेट के अंदर जितनी भी मशीनरी यूज होने वाली है या फिर किचन के अंदर जो भी इक्विपमेंट जो भी मशीनरी यूज होगी वो सब आप कहां से लेंगे, इसके अंदर भी कंपनी आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप चाहें तो अपने लेवल पे भी कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खरीदना होगा या फिर कंपनी अपने वेंडर से आपको कॉन्टैक्ट करवा देगी, उनसे आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तीसरा ट्रेनिंग सपोर्ट। एक बार जब आप इनकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिलती है और साथ ही साथ में आपके जो भी स्टाफ होंगे उनको भी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टाफ आपको हायर करना पड़ेगा लेकिन जो ट्रेनिंग होगी वो कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। अब ये ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 हफ्ते का होता है, और इस 3 हफ्ते के अंदर आपको ए टू जेड सारी चीजें सिखा दी जाती है कि आप कैसे सारी चीजों को मैनेज करेंगे, कैसे कंप्लीट प्रोसेस काम करता है। और जो स्टाफ होते हैं उनको ये भी सिखाया जाता है कैसे सारी चीजें बनानी है, जो रॉ मटेरियल होगा उससे कैसे फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। अब दोस्तों हो सकता है 3 हफ्ते के अंदर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको सारी चीजें नहीं पता है तो आप इस ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम इस ट्रेनिंग को 8 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपका आउटलेट ओपन हो गया तो इनिशियल डेज में कंपनी की तरफ से एक एक्सपीरियंस पर्सन आएगा जो आपको ऑन साइट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है कि सारी चीजों को किस तरीके से करना है। और दोस्तों ये जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है ये होता है 2 हफ्ते का। सो दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से कंप्लीट ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। चौथा रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों आपके आउटलेट के अंदर जो भी चीजें बनाई जाएगी उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा या तो आपको कंपनी से खरीदना पड़ेगा या फिर कंपनी के जो वेंडर्स होंगे उनसे आपको खरीदना पड़ेगा। अब इनसे आपको क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मीट बॉल्स, सॉसेसेस, ब्रेडिंग, पिज्जा सॉस मिक्स, स्पेगेटी मिक्स,
प्रिंटेड बैग्स, इसके अलावा जो अदर चीजें होंगी वो अगर आप चाहें तो दूसरे वेंडर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है ये तो आपको कंपनी से या फिर कंपनी के जो ऑथराइज्ड वेंडर होंगे उनसे ही खरीदनी होगी। अब दोस्तों अगर आप में से कोई वेजिटेरियन पर्सन है और वो चाहता है कि इनकी फ्रेंचाइजी तो ले लेकिन खाली वेजिटेरियन आइटम ही रखे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके आउटलेट के अंदर खाली वेज चीजें रख सकते हैं, मतलब जो भी मेन्यू होगा उसके अंदर, और अगर आप चाहें तो वेज और नॉन वेज दोनों रख सकते हैं, कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। पांचवा, टाई अप विद फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। देखिए दोस्तों एक बार जब आपका आउटलेट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में आपके आउटलेट को जो भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनके साथ टाइप करके दे दिया जाएगा, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या और भी जो भी आपके लोकल में भी अगर कोई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होंगे तो उनके साथ भी आपको टाइप करके दे दिया जाएगा ताकि आपके आउटलेट के ऊपर मैक्सिमम सेल्स आ सके। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके आउटलेट पे दो तरीके से सेल आएंगे, सबसे पहले ऑफलाइन जो लोग वॉकिंग कस्टमर होंगे और दूसरे ऑनलाइन जो इन प्लेटफॉर्म से आपको सेल मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे तो कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करेगी और ये जो एग्रीमेंट होगा ये 20 साल का होगा और 20 साल के बाद में अगर आप फिर से रिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पिज्जा की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, फूड से रिलेटेड अलग अलग कंपनीज है, तो हम उनकी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ऐसी इस कंपनी में क्या खास बात है कि हमको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको लपिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहला कारण, इनके पास सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल है। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में इनके 350 से ज्यादा आउटलेट हैं, उनमें से जो मैक्सिमम आउटलेट हैं वो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स द्वारा रन किए जा रहे हैं। अब दोस्तों फ्रेंचाइजी पार्टनर उनको रन कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं तभी तो रन कर रहे हैं, अदरवाइज वो अभी तक इनके साथ नहीं होते। तो दोस्तों अगर आप भी इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इनकी तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है कि कैसे आपको सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे आपको प्रॉफिटेबल रखा जाए, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे पैसे कमाने के। और साथ ही साथ में दोस्तों इनका जो ब्रांड है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लोग इनके ब्रांड के नाम से ही आपके आउटलेट पे आएंगे और पिज्जा खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दूसरा कारण, ये आपको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देखिए दोस्तों एक बार जब आपका आउटलेट ओपन हो जाएगा तो उस आउटलेट के ऊपर पब्लिक का फुटफॉल कैसे बढ़ाना है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, आपके आउटलेट का सेल कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो भी आपके साथ बैठ के डिसाइड की जाती है और सारी प्लानिंग आपके साथ की जाती है ताकि आपके आउटलेट पे जो भी सेल है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। तीसरा कारण, इनको ये पता है कि इंडियन पब्लिक को क्या चाहिए। देखिए दोस्तों इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पाइसी चीज खाना पसंद होता है, लेकिन दोस्तों जो दूसरी कंपनीज पिज्जा बनाती है उनके पिज्जा उतने ज्यादा स्पाइसी होते नहीं है, अगर किसी को स्पाइसी खाना होता है तो वो चिली फ्लेक्स डाल सकता है, लेकिन इनके आउटलेट के अंदर ऐसे ऐसे पिज्जा मिलते हैं जो इंडियन पब्लिक के हिसाब से होते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं, तो जिनको भी स्पाइसी चीज खानी होती है उनके लिए पहला ऑप्शन होता है लपिनोज पिज्जा। सो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो डेफिनेटली आपको भी इसका फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला स्पेस। देखिए दोस्तों आपके पास कम से कम 350 से लेकर 750 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो। दूसरा एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों आपके आउटलेट को प्रॉपरली रन करने के लिए आपके पास कम से कम 4 से लेकर 7 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अब दोस्तों ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका आउटलेट कितना बड़ा है, उसमें कितने ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन मिनिमम 4 से 7 एम्प्लॉयज आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन। देखिए इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा और कंपनी को रजिस्टर करने के बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जिसको कहीं कहीं पे गुमास्ता भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे शॉपेक लाइसेंस भी कहते हैं, तो ये आपको लेना होगा। और साथ ही साथ में फूड रिलेटेड बिजनेस है तो आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना होगा। तो दोस्तों ये दो चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपके लोकेशन के हिसाब से अगर आपको कोई और लाइसेंस लेना होगा या किसी और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी की टीम आपको उसके लिए गाइड कर देगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही साथ में इनके साथ जुड़कर आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों लपिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कम से कम 29 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से और आपका जो आउटलेट है उसकी साइज के हिसाब से वेरी भी कर सकता है, लेकिन कम से कम या अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए। अब ये पैसा किस चीज के लिए खर्चा होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर से आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस पे करनी होगी, जो अमाउंट होगा 990,000 रुपया, तो आप मान लीजिए लगभग 10 लाख रुपया कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस है। इसके अलावा दोस्तों आपके आउटलेट का कंप्लीट सेटअप कॉस्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 18,90,000 रुपया, तो आप यूं मान के चलिए 19 से 20 लाख रुपया आपका सेटअप का कॉस्ट होने वाला है। सो दोस्तों अगर आपके पास 29 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो आप लपिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी आसानी से ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके आउटलेट के ऊपर जितना भी सेल होगा उसमें से 4% कंपनी को एज ए रॉयल्टी भी देना होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है।
देखिए आपका जो फूड का कॉस्ट आने वाला है वो आने वाला है 30 से लेकर 35% का। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो लगभग आएंगे 30% के, तो टोटल हो जाता है 60 to 65%। तो जो बचा हुआ फिगर है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। मतलब दोस्तों अगर आप कंपनी के साथ जुड़ के काम शुरू करते हैं तो आपको लगभग 35 से लेकर 40% का प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना ये भी है कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लगभग 16 महीने से लेकर 20 महीने के अंदर आपका रिकवर हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि लपिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और इनकी वेबसाइट है www.lapinopizza.in। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है फ्रेंचाइजी इंक्वायरी। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट करते हैं और आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पर आकर अपने डिटेल भर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, सिटी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया और आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसके बाद में सिंपली यहां पर सेंड मैसेज पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपकी जो डिटेल होगी वो कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी की टीम आपको कांटेक्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए गाइड कर देगी। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप लपिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी टीम आपको कॉल करके गाइड करे कि कौन सी फ्रेंचाइजी आपके लिए बेस्ट होगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट होगी, तो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे दिया है, उसके अंदर आप अपने डिटेल डाल सकते हैं तो मेरी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और उसके बाद में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फ्रेंचाइजी सबसे बेस्ट होगी उसके लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।